गुड मॉर्निंग क्लास फाइव, माई सेल्फ सुजीत सर। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन चैप्टर थ्री, द ब्रेव लिटिल काइट। दिस इज अ पोएम दैट इंस्पायर अस टू राइज। यह पोएम हमें ऊपर उठने के लिए प्रेरित करती है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, इट डिस्क्राइब द डेयरिंग फाइट ऑफ अ लिटिल काइट who initially was afraid to fly but later rose high up in the sky। दूसरे शब्दों में यह बताती है कि एक छोटी सी पतंग शुरुआत में कितना संघर्ष करती है, कितना डरी होती है, और बाद में बहुत ज़्यादा उड़ान भरती है, ऊपर उड़ती है। Now let's start this chapter। I never can do it, the little cat said। छोटी पतंग बता रही है कि मैं इसे कभी नहीं कर सकती। As he looked at the others high over his head, दूसरी पतंग को देखकर वो ऐसा कह रही है कि मैं इसे कभी नहीं कर सकती। I know I should fall if I try to fly, वो कहती है कि मैं जानता हूँ अगर मैं कोशिश की उड़ने के लिए तो मैं गिर जाऊंगी। ट्राई सेड द बिग कैट, ओनली ट्राई। बड़ी पतंग छोटी पतंग से कह रही है कोशिश करो। और आई फियर यू नेवर विल लर्न एट ऑल। और बड़ी पतंग छोटी पतंग से कह रही है मुझे डर लग रहा है अगर तुम कोशिश नहीं करोगे। बट द लिटिल काइट सेड आई एम अफ्रेड आई विल फॉल। छोटी पतंग कह रही है कि मैं डरी हुई हूँ, मैं गिर जाऊँगी। द बिग काइट नोडेड आह वेल गुड बाय। बिग काइट छोटी पतंग से कहती है ओके गुड बाय, आई एम ऑफ, मैं जा रही हूँ। एंड ही रोज टूवर्ड्स द ट्रैंक्विल स्काई, और वह ऊपर आकाश में उड़ जाती है। देन द लिटिल कैट्स पेपर स्टर एट द साइड, और उसे वो देखती रहती है। एंड ट्रेवलिंग ही सोक हिमसेल्फ फ्री फॉर फ्लाइट, और वो भी उठना चाहती है। ट्रेम्बलिंग मीन्स शिवरिंग, थरथराना, कांपना। ही सुक हिमसेल्फ फ्री फॉर फ्लाइट, और वो भी उड़ना चाहती है। फर्स्ट वियरिंग एंड फ्राइटेंड द ब्रेव ग्राउंड, वो छोटी सी पतंग पहले चारों ओर चक्कर लगाती है, फिर डरी होती है। देन ब्रेवर ग्राउंड, और वो उड़ने का साहस दिखाती है। अप अप द रोज थ्रू द एयर एलोन, और वो उसे ऊपर उड़ना चाहती है। टिल द बिग काइट लुकिंग डाउन कुड सी, और बड़ी पतंग जब नीचे देखती है छोटी पतंग को, द लिटिल वन राइजिंग स्टेडली, छोटी पतंग भी उसके साथ उड़ना चाहती है। छोटी पतंग भी आकाश की ओर उड़ रही होती है। नाउ नेक्स्ट पेज। देन हाउ द लिटिल काइट थ्रिल्ड विथ प्राइड, उसके बाद छोटी पतंग खुश होती है, थ्रिल्ड मीन्स एक्साइटेड होती है। एज ही सेल्ड विद द बिग काइट साइड बाय साइड, जैसा कि बड़ी पतंग के बगल अगल बगल में वह भी उड़ती रहती है, उसके साथ उड़ रही है, इसलिए वह अपने आप को थ्रिल्ड मीन्स डैट एक्साइटेड महसूस कर रही है। वाइल फार बिलो ही कुड सी द ग्राउंड, जब वो नीचे ग्राउंड पर देखती है। एंड द बॉयज लाइक स्मॉल स्पॉट्स मूविंग अराउंड, बच्चे यानी लड़के एक छोटे बिंदु की तरह इधर उधर घूमते दिख रहा है। दे रेस्टेड हाई इन द क्वाइट एयर, वो ऊपर स्काई ऊपर आसमान में आराम कर रही होती है। एंड ओनली द बर्ड्स एंड क्लाउड्स वेयर देयर, सिर्फ वहाँ बर्ड्स और क्लाउड्स ही दिखता है। ओ हाउ हैप्पी आई एम, वो अपने आप को एक्साइटेड फील कर रही है। द लिटिल काइट क्राइड, छोटी पतंग चिल्लाती हुई कह रही है हाउ हैप्पी आई एम, एंड ऑल बिकॉज आई वॉज ब्रेव एंड राइड, वो कहती है कि ये सारा चीज़ मैंने कोशिश किया, इसका नतीजा है। द पोइट ऑफ दिस पोएम कैथरीन पायल। डैट्स ऑल फॉर टुडे, टेक केयर।